स्वामी विवेकानंद एक मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बंदर मिला। स्वामी विवेकानंद हाथ में कुछ फल लिए हुए थे एक टोकरी में। एक बंदर उनके पीछे चलता है। कुछ देर बाद देखते हैं तो वह बंदर पीछे आ रहा है। दूसरी बार जब देखते हैं पीछे तो 2 से 3 बंदर है। तीसरी बार जब देखते हैं तो बहुत सारा बंदर उनके पीछे है। वह तेज दौड़ना चालू कर देते हैं। वह जाते हैं। इस घटना को एक संत देख रहे थे। वह संत ने इन्हें कहा कि रुको और सामना करो। स्वामी विवेकानंद वहीं पर रुक जाते हैं और बंदर की तरफ पढ़ना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे वह बंदर पीछे की ओर हटना चला जाता है और वह भाग जाता है। तब स्वामी विवेकानंद इस घटना से एक सीख सीखते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हें जिंदगी में कभी भी डर लगे तो उसका सामना करो।